बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा जैसे कि ट्रांसलेशन और प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले ट्रांसलेशन का एक पैराग्राफ करते हैं। ये पैराग्राफ दो तीन दफ़ा रिपीट हो चुका है एग्जाम में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई पैराग्राफ रिपीट हो। कभी ऐसा होता है क्योंकि पैराग्राफ रिपीट हो जाए, लेकिन ये वाला जो पैराग्राफ है ये दो तीन दफ़ा रिपीट हुआ है, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अल्लामा इक़बाल एक अजीम इंसान थे, सिंपल पास्ट टेंस है। अल्लामा इक़बाल एक अजीम इंसान थे, अल्लामा इक़बाल वॉज, अल्लामा इक़बाल थे अ ग्रेट मैन, या ह्यूमन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन लिखेंगे तो फिर साथ बीइंग में लिखना पड़ेगा। अल्लामा इक़बाल वॉज अ ग्रेट मैन, या अल्लामा इक़बाल वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। अल्लामा इक़बाल एक अजीम इंसान थे, सिंपल पास्ट है, ये कोई टेंस नहीं है। आप इस्लाम और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक थे, ये भी सिंपल वॉज वर्ब का इस्तेमाल। आप ही वॉज थे आ जो, या एक वर्ड है अंग्रेजी में आर्डेंट, इसका मतलब यही होता है लवर ऑफ इस्लाम एंड दी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। ही वॉज अ ट्रू या आर्डेंट लवर, आप एक पक्के आशिक थे, सच्चे आशिक थे ऑफ इस्लाम, इस्लाम के एंड द होली प्रॉफिट और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आप मुसलमानों की गुर्बत पर बहुत रंजीदा थे, रंजीदा, रंजीदा होने का मतलब है दुखी होना, तो दुखी होने के लिए पेंड या फिर आप ग्रीव भी लग सकते हैं। ही वॉज मच पेंड और ग्रीव एट द पॉवर्टी ऑफ दी मुस्लिम, आप मुसलमानों की गुर्बत पर बहुत ज़्यादा रंजीदा थे, ठीक है। ही वॉज, सॉरी मैंने मच लिख दिया दो मिनट पर, ही वॉज मच पेन। ये मैंने आपको डिफरेंस बताया था मच और वेरी का, जब हम पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ हम मच लगाते हैं, अदरवाइज वेरी लगाते हैं, ठीक है। जैसे पेन एक वर्ब है तो पेन पास्ट पार्टिसिपल बन गया, ग्रीव वर्ब है तो ग्रीव पास्ट पार्टिसिपल बन गया, उसके साथ मच लगाएंगे, बाकी के साथ वेरी, जैसे ही इज़ वेरी हैप्पी, ठीक है, ही इज़ मच हैप्पी नहीं लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों को आज़ादी हासिल करने पर उभारा या उकसाया, आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों को आज़ादी हासिल करने पर उभारा या उकसाया, पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट, जिसके एंड में अलिफ छोटी है या बड़ी आती है। तो आपने ही अर्ज्ड उकसाया, अर्ज का मतलब है उकसाना। आप और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे मोटिवेटेड भी लिख सकते हैं, द हिंदुस्तान के मुसलमानों को, इंडियन मुस्लिम्स या मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, दोनों तरह से लिख सकते हैं, दोनों तरह ठीक है। आपने ही अर्ज या मोटिवेटेड द इंडियन मुस्लिम, किस चीज पर उकसाया, टू गेट फ्रीडम, आज़ादी हासिल करें, ठीक है। ही अर्ज, आपने उकसाया द इंडियन मुस्लिम्स, इंडिया के मुसलमानों को, यानी हिंदुस्तान के मुसलमानों को, टू गेट फ्रीडम, आज़ादी हासिल करने पर, ठीक है। कायल किया, उकसाया, उभारा, एक ही मीनिंग में आता है ये। उसके बाद है आपने अपनी शायरी से अपनी कौम में नई रूह फूंकी, फूंकना होता है इन्फ्यूज, रूह स्पिरिट, फूंकी पास्ट इंडेफिनेट बनता है, पास्ट इंडेफिनेट, तो ही आपने इन्फ्यूज्ड फूंकी अ न्यू, एक नई स्पिरिट रूह, ठीक है। ही इन्फ्यूज्ड अ न्यू स्पिरिट इनटू
हिज नेशन अपनी कौम में, अपनी शायरी से, विद हिज पोएट्री, ठीक है, आपने ही इन्फ्यूज्ड अ न्यू स्पिरिट, आपने एक नई रूह फूंकी इनटू हिज नेशन अपनी कौम में, विद हिज पोएट्री अपनी शायरी के साथ, आपने अपनी शायरी के साथ अपनी रूह में एक अपनी कौम में एक नई रूह फूंकी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। उसके बाद है आपने मुसलमानों को अमल पर उकसाया, आपने ही, फिर उकसाया है अर्ज दी मुस्लिम्स तो अमल करना क्या होता है, एक्ट, ठीक है, एक्ट का मतलब अमल करना, वर्ब, और जो एक्शन है वो नाउन है, उसका मतलब होता है अमल, तो अमल करने पर उकसाया टू एक्ट। आपकी शायरी उम्मीद से भरी हुई है, आपकी शायरी इज पोएट्री, आपकी शायरी इज है फुल भरी हुई ऑफ होप, ठीक है, हिज पोएट्री आपकी शायरी इज फुल ऑफ होप, उम्मीद से भरी हुई है। हम अल्लामा इकबाल के शुक्र गुजार हैं, पहले इतना कर लेते हैं, हम अल्लामा इकबाल के शुक्र गुजार हैं, वी आर, शुक्र गुजार होना ग्रेटफुल, थैंकफुल, ओब्लाइज्ड, इंडेप्टेड, सबका एक ही मतलब है, टू अल्लामा इकबाल, और फिर सबके साथ टू ही आता है, ये आप प्रेपोजिशन में भी याद रखें, ग्रेटफुल टू, थैंकफुल टू, इंडेप्टेड टू या ओब्लाइज टू, सबका मीनिंग भी है क्या, और सबके साथ प्रेपोजिशन भी टू आती है। वी आर ग्रेटफुल टू अल्लामा इकबाल, हम अल्लामा इकबाल के शुक्र गुजार हैं कि दैट ही उन्होंने हमारे लिए अलग वतन का मुतालबा किया, पास्ट इंडेफिनिट, ही डिमांडेड, उन्होंने मुतालबा किया कि सेपरेट अलग होमलैंड वतन का फॉर अस, हमारे लिए, ठीक है, वी आर ग्रेटफुल टू अल्लामा इकबाल, हम अल्लामा इकबाल के शुक्रगुजार हैं दैट के ही डिमांडेड अ सेपरेट होमलैंड, के उन्होंने तकाजा किया या मुतालबा किया एक अलग वतन का फॉर अस, हमारे लिए। मैं आप लोगों को हमेशा ये बात बताता हूँ कि हम पास्ट के बाद हमेशा पास्ट लगाते हैं, लेकिन इस जुमले में पहले हिस्से में प्रेजेंट है, दूसरे में पास्ट है, तो पहले में अगर प्रेजेंट हो और या फ्यूचर हो तो दूसरे में पास्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर पहले हिस्से में पास्ट है फिर दूसरे हिस्से में पास्ट ही आएगा, प्रेजेंट नहीं आ सकता, प्रेजेंट सिर्फ आ सकता है कुछ जो एक्सेप्शंस हैं, जैसे कोई प्रोवर्ब है या यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, ये चीज़ें सिर्फ आ सकती हैं दूसरे हिस्से में प्रेजेंट में, अदरवाइज नहीं, कुछ नहीं आ सकता, पास्ट के बाद पास्ट ही आता है। हमें अपने कौमी शायर पर फ़ख्र है, हमें अपने कौमी शायर पर फ़ख्र है, वी आर प्राउड ऑफ आवर नेशनल पोएट, ठीक है, हमें अपने कौमी शायर पर फ़ख्र है और एंड उनकी शायरी को बहुत पसंद करते हैं, और हम एंड भी पसंद करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वी लाइक, हम पसंद करते हैं हिज पोएट्री, उनकी शायरी अलॉट बहुत, और हम उनकी शायरी को बहुत पसंद करते हैं, ठीक है बेटा, ये आज हो गया आपका पैराग्राफ। इसके बाद आज इसके साथ करेक्शन करेंगे, तो करेक्शन में जो सबसे पहला सेंटेंस है वो है शी इज वेरी वीक टू वॉक, वो इतनी कमजोर है कि चल नहीं सकती। कल एक जुमला हमने किया था कि वेरी जो है वो हम सिंपल जो ऐसे जुमले जो पॉजिटिव सेंस देते हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं, और टू और टू जब दो दफ़ा टू का इस्तेमाल करते हैं तो नेगेटिव सेंस आती है, तब हम नेगेटिव सेंस का इस्तेमाल करने के लिए टू और टू लगाते हैं, शी इज टू वॉक, टू वीक टू वॉक, वो इतनी कमज़ोर है कि चल नहीं सकती, ठीक है, जब टू और टू होगा तो इसका मतलब है कि नेगेटिव है ये सेंटेंस, उसमें नेगेटिव की सेंस आ रही है, और
बकायदा वो जुमला नेगेटिव बन जाता है, उसमें नॉट आ जाता है, शी इज टू वीक टू वॉक, वो इतनी कमजोर है कि चल नहीं सकती। इस जुमले का ये मतलब है द स्टार्स आर शाइनिंग ऑन द स्काई। इस जुमले में प्रेपोजिशन की गलती है, ये हमेशा इन द स्काई होता है, ऑन द स्काई नहीं होता। इसके लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, आप सबने वो एक पोइम पढ़ी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई, इन द स्काई। ठीक है, तो हम ये हमेशा इन द स्काई, जब हम कहते हैं आसमान पर कोई चीज़ है, जैसे द मून इज अपियरिंग इन द स्काई, ठीक है, स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, तो इसके लिए हम इन द स्काई लगाते हैं, ना कि ऑन द। शी इज मेकिंग नॉइज, इसमें आर्टिकल की गलती है, आर्टिकल जो है इंडेफिनेट आर्टिकल ए वो इसमें नहीं लगाया गया, उसको स्किप किया गया था, वो हमने लगा दिया है। मेकिंग का नॉइज होता है हमेशा, हालांकि जो नॉइज है ये काउंटेबल नाउन नहीं है, ए हम काउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होती हैं हर मामले में, तो नॉइज इज वन ऑफ देम। अगरचे ये काउंटेबल नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसके साथ हमेशा ए का इजाफा करते हैं। उसके बाद है शी टोल्ड मी टू न्यूज़, उसने मुझे दो खबरें सुनाई, टू न्यूज़ हम इनको जो है वो काउंट नहीं करते, ना न्यूज़ को, ना एडवाइस को, और ना वर्क को। वर्क है, न्यूज़ है, या एडवाइस है, इसको जब हम प्लूरल बनाते हैं तो हम इसके साथ पीस लगाते हैं, जैसे पीस ऑफ वर्क, ठीक है, पीस ऑफ एडवाइस, तो इसी तरह टू पीसीज ऑफ न्यूज़, शी टोल्ड मी टू पीसीज ऑफ न्यूज़, इंफॉर्मेशन के साथ भी पीस लगाते हैं, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन, न्यूज़, इसके अलावा एडवाइस और वर्क, इनके साथ हम पीस लगाते हैं इनको फ्लोरल बनाने के लिए। उसके बाद है दिस इज़ योर्स बुक, ये जुमला गलत है, गलत इसलिए है कि इसमें योर्स नहीं आएगा, सिर्फ योर आएगा, दिस इज़ योर बुक। योर हम तब लगाते हैं जब इसके बाद जो भी चीज़ इसकी मलकियत है वो उसके साथ मौजूद हो, अगर ना हो तो फिर हम योर्स लगाते हैं। जैसे अगर हम इस जुमले को ऐसे लिख दें कि दिस बुक इज़ योर, तो ये जुमला अब भी गलत है, क्योंकि अब इसके सामने नहीं है, इसके साथ वो चीज़ नहीं है जो इसकी मलकियत है, इसलिए यहाँ पर योर्स आएगा, ठीक है, यानी उसके फ़ौरन बाद जब वो चीज़ नहीं होती जो उसकी मलकियत हो, तो फिर हम योर्स लगाते हैं, अदरवाइज हम योर लगाते हैं अगर उसके साथ वो चीज़ हो। या इसके अलावा आपको पता है एप्लीकेशन या फिर लेटर्स को जब हम क्लोज करते हैं तो उसके एंड में लगाते हैं योर्स, योर्स, ठीक है, ये वाला, तो उसमें भी कुछ बच्चे गलती करते हैं, ये पॉस्ट्रोफी लगा देते हैं, उसमें ये पॉस्ट्रोफी हरगज़ नहीं लगाते, वो योर्स लगाते हैं, ये वाला, और वो भी उस सूरत में लगाते हैं अगर इसके साथ कोई एडवर्ब हो, एल वाई वाला एडवर्ब हो, अगर ये वाला योर्स तब ही लगाते हैं, अगर ये एडवर्ब ना हो, जैसे योर्स ओबीडिएंटली, ठीक है, अफेक्शनेटली, इस तरह का कोई हो तो, या ट्रूली हो, फिर लगाते हैं, अदरवाइज ये योर्स नहीं लगाते। जैसे सिर्फ इतना हो योर्स सन, तो फिर ये गलत हो जाएगा, फिर सिर्फ योर्स सन लगाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके आगे ये बुक है, इसलिए ये वाला एस इसमें नहीं आएगा, एंड पर आएगा, अगर ये एंड पर आ रहा है तो फिर इसके साथ एस का इजाफा करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। मैनी मैन हैव डाइड इन एक्सीडेंट, मैनी ए मैन, अब मैनी ए मैन का मतलब होता है बहुत सारे, ये सेंस भी प्लूरल पे देता है, लेकिन ये वाला जो ए है इसके बाद हम सिंगुलर नाउन इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत मशहूर जुमला है, मैनी अ मैन, ठीक है, जब ये ए आता है मैनी ए के बाद, फिर हम इसके साथ सिंगुलर नाउन लगाते हैं और फिर जो वर्ब है वो भी सिंगुलर लगाते हैं, सिंगुलर, तो मैनी अ मैन हैज डाइड इन द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में बहुत से आदमी या लोग मारे हैं। उसके बाद है इट इज़ हिम हु आर टू ब्लेम, ये जो जुमला है इसमें दो गलतियां हैं, एक तो इज़ आर एम जो है उसके बाद सब्जेक्टिव केस आता है,
सब्जेक्टिव केस, इट इज ही, इट इज आई, इट इज यू, ठीक है। उसके बाद ये जो वर्ब आता है ये इसके अकॉर्डिंग आता है, इसके अकॉर्डिंग, तो इट इज ही हु इज टू ब्लेम, ठीक है। यानी ये जो वर्ब है ये इसके अकॉर्डिंग आएगा, और ये जो हालत है चूंकि ये इज आर एम के बाद सब्जेक्टिव केस लगाते हैं, इसलिए एक तो ये हमने केस सब्जेक्टिव कर दिया, दूसरा ये जो वर्ब है वो इस सब्जेक्ट के मुताबिक लगाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई है बेटा, अगर कोई बात ना समझ आई तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।